डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 12th क्लास बिहार बोर्ड का जो 2020 के सेंटअप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन लेकर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इस वीडियो में जो कंसेप्ट और रूल को बताया जो गया है उसको अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बहुत सारे रूल और कंसेप्ट इस वीडियो से मिलते नज़र आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 50 नंबर वाला जो इंग्लिश है उसका ये मॉडल सेट है। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कहता है मोहन इज अराइविंग खालिस्तान 8 o'clock इन द मॉर्निंग। एक बात और आप ख्याल रखिएगा, यहाँ पे जो ये आपको टिक जो पहले से लगाया हुआ है ना, ये मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजा है तो वो गलत भी हो सकता है। मैं आपको जो आंसर बताऊंगा उस पर आपको ध्यान देना है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी घड़ी के पक्का समय बताता है, जैसे यहाँ पे 8 o'clock, यहाँ पे पक्का 8 बजने की बात की गई है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है चूज द फ्लोइंग वर्ड करेक्टली स्पेल्ड। अब यहाँ पे नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसमें से पूछता है कि आपका जो सही मीनिंग है ना वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सी ही आपका सही मीनिंग है। और एक बात बता दूं, अगर इस तरीके के क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं होते हैं तो इसको आप ऑप्शन से छांटकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आई टेक टी खालिस्तान द मॉर्निंग। तो आपको पता है इन द मॉर्निंग होता है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन का है, यू आर ऑनेस्ट आई विल ट्रस्ट यू। अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कॉम्बिनेशन बाई बीरबल प्रसाद सर। मैंने आपको 10 रूल्स बताए हैं, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है कि यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं, आई विल ट्रस्ट यू, मैं आप पे भरोसा करूँगा। तो देखिएगा इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ना ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है ना। सिंस यू आर ऑनेस्ट आई विल ट्रस्ट यू, चूँकि आप ईमानदार हैं इसीलिए आप पर मैं भरोसा करूँगा। बाकी के जो ये जो है ना ए बी और डी गलत ऑप्शन है, आपका जो सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है कहता है डू यू वांट टू गो टू खालिस्तान होटल वेयर बी फर्स्ट मेट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है आपको दूर कर देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है वेयर बी फर्स्ट मेट, मतलब हम लोग जब पहली बार मिले थे ना, जहाँ मिले थे वेयर बी फर्स्ट मेट, पहली बार जहाँ मिले थे वहाँ यानी उस होटल में जाना चाहोगे, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ये किसी खास होटल की बात की जा रही है, और जब हम खास होटल की बात करते हैं या फिर किसी खास यानी डेफिनेट नाउन की चर्चा कहते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा, कहता है सी स्पोक, स्पोक हमारा वर्ब है तो इसके बाद हमें आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी क्वाइटली, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन जो होगा ये है रमेश खालिस्तान हीज वर्क 2 hours ago। तो मैंने ये आपको टेंस वाले वीडियो में बताया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैज फिनिश्ड। देखिए मैंने बताया था कि अगो का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब है वो ऑप्शन नंबर बी में है, हैज प्लस v3, रमेश के लिए हैज ही आएगा, ठीक है। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, बी सा देम क्वारलिंग। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट को, मैंने ऐसा देखा था, बहुत क्वेश्चन कर रहे थे। और एक बात बताऊं, ये जो है ना 9 नंबर क्वेश्चन
ये आपको पहले भी पूछा गया है पिछले एग्जाम में, फिर से दे दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब देखिए ए नंबर ऑप्शन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बाई एस दिया है, मतलब आप इस तरीके से छाट सकते हो, ऐसे तो बहुत ही इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन हम ऐसे कुछ हद तक समझ सकते हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आता कि बाई एस होना चाहिए लेकिन बाई बी है। दूसरा नंबर में देखिए एज सीन दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी छाट सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो आप ऑप्शन छाट कर भी बना सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा डी नंबर ऑप्शन, तो बता दूं आपको जो डी नंबर है ना इस तरीके से होना चाहिए, देवर क्वायरलिंग, यहाँ पे जो दिया गया है सीन क्वायरलिंग, क्वायरलिंग सीन बाई एस, ठीक है ना। तो जो नौवा नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपका जो होगा ना ऑप्शन नंबर सी ही होगा, यहाँ पे ये डी नंबर भी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। अब चलते हैं दसवां नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दसवां नंबर क्वेश्चन है, दिस गर्ल नेवर द ताजमहल, मतलब यह लड़की ताजमहल कभी नहीं देखी है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दसवां नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन, हैज नेवर सीन, हैज प्लस बीन, ठीक है ना। और देखिए इज नेवर सीन तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा। और सी नंबर में नॉट सी आ गया, तो गर्ल के बाद डायरेक्ट नॉट आ गया, इसीलिए गलती है। और डी नंबर में आप डी नंबर को ध्यान से देखिए, डी नंबर में क्या है, द गर्ल हैज नॉट सीन द ताजमहल, मतलब लड़की ने ताजमहल नहीं देखी है। और जो ए नंबर ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि जो लड़की है उसने ताजमहल कभी नहीं देखी है, तो मतलब नेवर मतलब अभी कभी नहीं देखी है। तो ए नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है हॉर्स इज, अब यहाँ पे आपको पता होगा यूजफुल, जब आप इसका प्रोनंसिएशन करोगे तो यूज होगा, जो आपका कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के लिए हम यूज करेंगे क्या आ। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोस्ट दिस लेटर, तो ये तो रूल बहुतों बार पूछा गया है वॉइस में, ये आपका होगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री, इसका मैंने कंसेप्ट आपको वॉइस वाले वीडियो में बताया है। 13 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे कॉल्ड हीम अ फूल, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे ना उसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे समझना है, कॉल्ड क्या है, पास्ट की वर्ब है, तो पास्ट में बाज वर आएगा ना, तो बाज तो एक ही ऑप्शन में आया है डी नंबर में, तो अगर आप ऑप्शन को छाट कर भी बनाते हो ना तो आप बहुत हद तक आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे हीम है ना तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो ही, और कॉल्ड यहाँ पे भी टू है उसके लिए बाज प्लस भी थ्री, ही वाज कॉल्ड, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट था अ फूल, ठीक है। तो ये आपका सही है 13 नंबर का डी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ बाई हुक और बाई क्रूक, ये यहाँ पे सी आर डबल ओ के होगा, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ना पहले पूछे गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डी नंबर, इसका मतलब होता है किसी भी तरह से काम निकाल लेना, बाई हुक और बाई क्रूक, मतलब टू मेक पॉसिबल वाई एनिमीज, मतलब किसी भी तरह से संभव प्रयास करना, ठीक है। तो 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर में कहता है चूज द सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक आफ्टर, जब आप फ्रेज की 100 वीडियो वाली मैं जो वीडियो सीरीज करवाया था उसमें देखिएगा, तो ये मैं करवा चुका हूँ, टेक आफ्टर मतलब होता है रंग रूप से मिलना, ठीक है, जब किसी के चेहरे दूसरे के चेहरे से मिलता है तब तो हम उस कंडीशन में यूज करते हैं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजेंबल। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के लिए, द राइटर ऑफ द, यहाँ पे कहा द राइटर ऑफ द पीस ऑन लेटर राइटिंग को कौन लिखा है, तो ए जी गार्डिनर।
17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैड द फोटोग्राफर डन विद द ऑथर आईज। अब क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑथर की आई था उसके साथ फोटोग्राफर ने क्या किया था, तो आपको पता है उसकी जो आईब्रो था ना उसको हटा दिया था। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट फीचर ऑफ द किड्स कैरेक्टर इज मेंशन्ड। तो इसका सही आंसर होगा 19 का पहला, फैमिली अफेक्शन, जो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था। 20 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम इज रिटन बाई रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया कौन सा कविता है, तो आपको पता होगा इफ, है ना। उसके बाद है डेविड, यहाँ पे तो मैंने यहाँ तक करवा दिया। 21 नंबर देखिए, वर्ड्सवर्थ सा ए होस्ट ऑफ डेफोडिल बिसाइड द लेक, लेक के बगल में ना देखा था डेफोडिल। तो ये सब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। डेविड कॉपरफील्ड इज अ नोवल अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, तो ये भी आपको पता है। तो 22 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। 23 नंबर देखिए, हु इज डेविड प्राइमरी गुड इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि डेविड को जो प्राइमरी इन्फ्लुएंस था डेविड का सबसे पहले किस पे था, तो आपको तो पता है, ये भी मैं आपको करवाया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर अपलोड किया था उसमें यही सेम क्वेश्चन था, तो आपका होगा डी नंबर ऑप्शन एजनी, ठीक है। 24 नंबर देखिएगा, डेविड कॉपरफील्ड इज अ वर्क डन बाई, तो आपको पता है ये चार्ल्स डिकिंस की नॉवल है, है ना। 25 नंबर देखिएगा, हु वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर बिगफील्ड, तो आपको पता है मिस्टर बिगफील्ड की डॉटर जो थी एजनी थी, मतलब उसकी बेटी एजनी थी। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर, बाई होम वाज द टाइगर किल्ड। मैंने आपको वॉइस में बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये पैसिव वॉइस है। एक बात बताऊँ, इस तरीके के क्वेश्चन ना चुटकियों में कर सकते हैं आप। देखिए ये किस टेंस में, पास्ट में है ना, तो आपको पता है ना कि बाज किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट ऑप्शन नंबर सी में है, हु किल्ड द टाइगर, ठीक है ना। तो बस थोड़ी सी चालाकी से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। 27 नंबर में आपको पता है आंसर के बाद टू प्रीपोजिशन आता है, गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो आपका होगा 27 नंबर का सी नंबर ऑप्शन। 28 नंबर आपको पता है टेल अलाई एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, तो टेल अलाई होगा ही ए ही होगा, मतलब यहाँ पे 28 का पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है। 29 नंबर देखिएगा, हाउ मेनी डेफोडिल्स वर सीन एट अ ग्लांस। अब कहता है कि डेफोडिल जो देखा गया था एक झलक में कितने डेफोडिल देखे गए थे, तो राइटर ने साफ साफ बोला था लगभग 10,000 डेफोडिल। तो 29 नंबर का पहला नंबर ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 30वां नंबर, ए खालिस्तान जंप्ड इन फ्रंट ऑफ रॉबिन नोज, तो आपका पता होगा रॉबिन के नोज पे जो लिपॉड था ना वो जंप किया था। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन होते हैं ना 50 नंबर में, एक ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखो या फिर जो मॉडल पेपर अपलोड किया है उसको देखो या फिर सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखो, सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आएंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना सारा दिया गया ना, ये सारे पहले पूछे गए हैं और ये सारे का वीडियो लेक्चर इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव है 50 नंबर वाला क्वेश्चन, उसका सारे के सारे को मैं आपको करवा चुका हूँ, उसी से आएगा, ठीक है। अब बाकी बात रही समरी की, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2020 के लिए बस तीन समरी याद रख लीजिए, डेफोडिल, इक्को और इफ, ये तीनों लगातारी आप याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा आने वाला ही नहीं, मतलब उसमें ऑप्शन होंगे ना चार, तो उसमें ये तीनों में से कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा। डैफोडिल 2009 से लेकर 2019 तक जितने सारे एग्जाम हुए सब में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ दो एग्जाम को छोड़कर, तो याद रखना डैफोडिल इम्पॉर्टेंट है। अब बात रही इसकी, मतलब ये वाला कैरेक्टर वाला, तो ये भी मैं आपको अपने चैनल पे जो डेविड कॉपरफील्ड की सब्जेक्टिव वीडियो है उसमें करवा रखा हूँ, सारा करवाया हुआ है,
और बाकी रह गया पैराग्राफ, तो पैराग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पैराग्राफ की एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।